यात्रीगण कृपया सावधान हो जाइए क्योंकि तबाही होने वाली है। The things are getting more and more worse. You believe Theon Greyjoy का पीनस काट कर उसके फादर को गिफ्ट भेज दिया गया। वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था जोफ्री बराथियन की शादी मर्जरी से हुई थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसे जहर देकर मार दिया गया था। एंड द क्वीन ऑफ सेवन किंगडम जोफ्रीज मदर सर्सी लैनिस्टर ने अपने भाई टायरिन लैनिस्टर को अपराधी घोषित करके उसे बंदी बना लिया गया। उसके बाद उसका ट्रायल हुआ, इसमें टायरिन लैनिस्टर को अपराधी घोषित कर दिया गया और उसी के फादर ने उसे सेंटेंस टू डेथ ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन टायरिन लैनिस्टर ने कॉम्बैट फाइट के लिए अपील किया, जिसके बाद एक ओब्रियन नाम का राजा उसकी तरफ से लड़ने वाला था। अब उसकी कहानी भी इसी में बताता है कि उसकी बहन को मार दिया गया था और उसका रेप किया गया, उसके सारे बच्चों को मार दिया गया था। वो खुद का बदला लेना चाहता था, लेकिन टायरिन लैनिस्टर ने उसे अपनी कम्बैट फाइट के लिए चूज किया, जिसके बाद उसको भी मार दिया गया। सर जेमी लैनिस्टर ने टायरिन लैनिस्टर को भागने में मदद की और भागते भागते टायरिन लैनिस्टर ने अपने पिता टाइमी लैनिस्टर को मार दिया। जोफ्री बराथियन के मर्डर के बाद सैनसा लैनिस्टर को भगा दिया गया। अब उसके पीछे लॉर्ड बेलिस था उसको भगाने में। अभी तक सस्पेंस है, जहर जोफ्री बराथियन को किसने दिया, वो सैनसा लैनिस्टर थी या फिर लॉर्ड बेलिस थे, अब उसका अभी पता नहीं चला गया। लेकिन मैंने इसमें लॉर्ड बेलिस को पहले कम समझने की कोशिश की, लेकिन भैया इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कोई भी कम नहीं है। कब कौन किसके पीछे से छुरी मार दे वो किसी का कुछ नहीं पता। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये लॉर्ड बेलिस कौन है? वो भैया सेंसा स्टार की मदर का आशिक था। उसकी मदर की डेथ होने के बाद वो सेंसा स्टार के पीछे पड़ा हुआ है और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। लॉर्ड बेलिस सेंसा लैनिस्टर को सेवन किंगडम से लेकर उसके आंट के घर पे लेके जाता है, लेकिन आंट ने उसे किस करते हुए देख लिया सेंसा स्टार को, जिसके बाद लॉर्ड बेलिस ने उसकी आंट को भी मार दिया। वहां से वो दोनों नॉर्थ की तरफ जाते हैं, जिसके बाद विंटरफॉल में लॉर्ड बोल्टन का अधिकार हो गया था, जिसके बाद रैमजी बोल्टन ने थियोन ग्रेजोय का पीनस काट कर उसके फादर को गिफ्ट भेज दिया था। अब देख सकते हो आप कितनी चीजें बेकार हो गई है और अभी तो और होना बाकी है। ब्लू थियोन ग्रेजोय का पीनस काट कर उसके फादर को गिफ्ट भेज दिया गया, वो भी रैमजी बोल्टन के द्वारा। सेंसा स्टार को विंटरफॉल ले जाने के बाद रैमजी बोल्टन उसे सेंसा स्टार से शादी करना चाहता है और लॉर्ड बेलिस भी यही चाहता है, ताकि वो एक अलग षड्यंत्र रच सके। वो वापस जाता है सेवन किंगडम में और रानी को बताता है कि सेंसा स्टार जिंदा है और मेरे इनर सोर्सेज से पता चला है कि वो एकदम सेफ है इन विंटरफॉल, और उस पर हमले का प्लान बनाता है ताकि वो विंटरफॉल का वार्डन बन सके, वहाँ का किंग बन सके और उसके सारे दुश्मन खत्म हो सके। बट द सेवन किंगडम में तो कुछ अलग ही चल रहा था, क्योंकि जोफ्री बराथियन की डेथ के बाद मरगरी उसके छोटे भाई थोमन बराथियन को फंसाने के चक्कर में, जिसके बाद वो उससे शादी करती है और फिर से क्वीन बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। एक स्पैरो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बैठाई, जिसके बाद मरगरी और उसका भाई सर लोरस को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया उसके पापों की वजह से। बट क्वीन सर्सी लैनिस्टर भूल गई कि उसने खुद ने इतने पाप किए हैं कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, जिसमें स्पैरो का लीडर उसी का कजन था, बट उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप समझ सकते हो कि चीज़ें कितनी वर्स्ट हो चुकी हैं। मेरा यकीन मानिए, रैमजी बोल्टन एक अनदर बास्टर्ड सेंसा स्टार्क से शादी के बाद उसे कमरे में ले जाता है और आप यकीन मानिए वो सब करता है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो भी थियोन ग्रेजोय के सामने। इट्स गेटिंग वर्स्ट।